वैसे अरशद वारसी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही बात करते नजर आते हैं। अरशद वारसी ने मारिया गोरेटी से शादी की थी। अब उनकी शादी को 25 साल पूरे हो जाएंगे। अरशद वारसी ने 14 फरवरी 1999 में शादी की थी। ये कपल इस साल अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने वाले हैं। खास बात यह है कि अरशद वारसी और मारिया ने वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर शादी की थी। अब शादी के 25 साल के बाद कपल ने एक दूसरे को स्पेशल गिफ्ट दिया है। अरशद और मारिया की शादी को 25 साल होने वाले हैं। इतना लंबा समय होने के बावजूद भी कपल ने अभी तक अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। अपनी 25वीं सालगिरह को स्पेशल बनाने के लिए इस कपल ने अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा लिया है। अरशद वारसी और मारिया ने 23 जनवरी को अपनी शादी को रजिस्टर करवाया। हमारे सहयोगी ई टाइम से बातचीत में अरशद वारसी ने बताया कि शादी के रजिस्ट्रेशन वाली बात उनके दिमाग में कभी आई ही नहीं और न ही उन्होंने सोचा कि ये जरूरी है। हालांकि प्रॉपर्टी के मामले में और उनके किसी अपने के निधन के बाद उन्हें इसके महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हमने ये कानून के खातिर किया है, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आप पार्टनर के नाते एक दूसरे से कमिटेड है तो ये चीज ही काफी होती है। वैसे वर्क फ्रंट की बात करें तो अरशद वारसी इन दिनों डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में नजर आ रहे हैं। वो शो को जज करते नजर आते हैं। वहीं फिल्मों की बात करें तो अरशद वारसी जल्द ही संजय दत्त के साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर हर तरफ अरशद वारसी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। वेल, इस खबर पर अब आपकी क्या राय है? आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट।